हाय एवरीबॉडी, हेल्प केयर फाउंडेशन और हेल्प केयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट शबनम शेख जी, आप दोनों का तहदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने ये सुनहरा अवसर दिया मुझको कि मैं यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकूँ। आप ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सवाब का काम हो ही नहीं सकता। अल्लाह आपके हेल्प केयर फाउंडेशन को बरकत दे और आप इसी तरह ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू सो मच शैली। आज की तारीख में कोई किसी के लिए निःशुल्क कोई इलाज नहीं करता है, लेकिन हमारे समाज में काम पर राशन दे रही है, इससे ज़्यादा बड़ी बात आपका जो आपने मुझे इस नीक काम के साथ जुड़ने का मौका दिया। आमतौर पर सेलिब्रिटीज अवार्ड फंक्शंस, रेड कार्पेट इवेंट्स वगैरह वगैरह जैसे प्रोग्राम्स में नज़र आती हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि शबनम जी के मार्गदर्शन से मैं समाज के लिए भी एक यूजफुल इंसान बनकर दिखाऊँ। जी बिल्कुल, क्योंकि शबनम जी से मिलकर मुझे ऐसा लगा था मेरी ज़िंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, सिर्फ वेब सीरीज तक सीमित नहीं है, मुझे और भी बहुत कुछ करना है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो आई वेलकम चर्लिन चोपड़ा एंड आई वेलकम दी एंटायर बॉलीवुड कि रियल में आओ, उतर के काम करो। शर्लिन का यहाँ पर आना बॉलीवुड के कान में एक नॉकिंग होगी कि प्लीज़ हेल्प दोज नीडी पीपल हु आर एक्चुअली इन नीड। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आप सबको बता दूं कि हाल ही में मैं शबनम जी के ऑफिस पर गई थी और वहाँ पर मैंने कुछ वक्त बिताया और मैंने देखा कि कैसे अलग अलग ज़रूरतमंद महिलाएँ उनके पास आकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि कैसे उनका शोषण हुआ, कैसे उनके साथ धोखा हुआ, किसी के मर्द ने किसी को छोड़ा तो किसी के साथ नाइंसाफी हुई, किसी के साथ दुष्कर्म हुआ, तो कैसे ये हर ज़रूरतमंद महिला की कहानी सुनकर इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि क्या करना चाहिए उनके लिए, कानूनी तौर पर किस तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो जब मैंने देखा कि कैसे वो अपना पूरा का पूरा समय ज़रूरतमंद लोगों को दे रही हैं, मुझे लगा कि इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मैं कहाँ से ले सकती हूँ, कहीं से नहीं। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि हम सिर्फ खुद के लिए जीना पसंद करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें, लेकिन ये महिला ये जी रही हैं इस समाज की ज़रूरतमंद महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, ये उनकी आवाज़ बन चुकी हैं। और जब आप इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो वो गुहार बहुत दूर तक जाती है और लोग मजबूर होते हैं कि वो अपना काम करें। और यस, मैं फिर से कहना चाहूँगी कि यू आर माय इंस्पिरेशन एंड आई वुड लव टू स्टार्ट यू नो डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट लिव फॉर माई सेल्फ। थैंक यू सो मच।